हेलो साथियों, आपका स्वागत है ड्रीम इंडिया फाउंडेशन द्वारा संचालित साल्ट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर समय समय पर अलग अलग कोर्सेज की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में यहाँ पर आज हम आपको मैराथन क्लासेस CCC की बताने जा रहे हैं। इसको देखिए और देखकर आप समझिए। चलिए साथियों, आज चलते हैं नए लेक्चर की ओर CCC के। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन किस पर आधारित है? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है ए नंबर कर्नेल, दूसरा बी नंबर है एक्सेस, सी नंबर है प्रोसेस, डी नंबर है नन। तो इसका जो सही जवाब है वो है कर्नेल। कर्नेल इसका सही जवाब है। लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन किस पर आधारित है? कर्नेल पर आधारित है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम आप लोग जानते ही होंगे ये किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब जो है पहला ही है, ए नंबर फेसबुक। तो इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक से संबंधित है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फेसबुक की फेमस साइट जिसमें वीडियो और फोटो शेयर की जाती है। तो देखिए, अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि फेसबुक का इंस्टाग्राम से संबंधित है, तो इसलिए इसका जवाब भी ए नंबर इंस्टाग्राम होगा। ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा और तीसरा जवाब एक ही है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी विधि पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ए, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ए नंबर इंटरनेट, बी नंबर ईमेल, सी नंबर बिजनेस, डी नंबर हैकर। तो इसमें जो सही जवाब है वो है बिजनेस। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, डिजी लॉकर किससे कनेक्ट होता है? डिजी लॉकर किससे कनेक्ट होता है? तो डिजी लॉकर इसके ऑप्शन है, ए नंबर आधार कार्ड, बी नंबर पैन कार्ड, सी नंबर मोबाइल नंबर और डी नंबर ए एंड सी बोथ। तो देखिए, अगर डिजी लॉकर का आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो इसमें जो सही जवाब है वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों हैं, तो इसलिए इसका चौथा नंबर का जवाब बिल्कुल सही है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 100, बी 200, सी 400, डी 500। तो इसका जो सही जवाब है वो है 500। इसको मार्क कर लेते हैं। फिर सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, रिमोट डेस्कटॉप सेव करने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें पहला ए नंबर ऑप्शन है सेव ऑल, बी नंबर सेव रिमोट, सी नंबर सेव एज, डी नंबर ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर सेव एज। इसको मार्क कर लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, सेल की ब्रेथ कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें देखेंगे आठवें क्वेश्चन में, सेल की विड्थ कैसे बढ़ा सकते हैं?
तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऊपर लेफ्ट क्लिक करके दाहिनी तरफ खींचते हैं, बी स्पेस बार बटन के द्वारा, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो सही जवाब है वो ए नंबर है, ऊपर लेफ्ट क्लिक करके दाहिनी तरफ खींचते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और मार्क कर लेंगे। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, कॉलम एड्रेस इनमें से किस प्रकार होता है? तो इसके ऑप्शन है ए ए वन कॉमा बी वन, बी ए कॉमा बी कॉमा सी, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, वो बी ए बी सी, ए बी सी इसका सही जवाब है। अगर इसमें सेल एड्रेस पूछते तो ए वन और कॉमा बी वन आता, ए नंबर का ऑप्शन सही होता। इसमें सेल एड्रेस नहीं पूछा, इसमें कॉलम एड्रेस पूछा, तो इसलिए इसका सही जवाब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, इस तरीके से सेल एड्रेस होते हैं। तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। अब दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन है, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? बीसीसी ये आपका कोर्स, जैसे ट्रिपल सी होता है ऐसे ये कोर्स होता है बीसीसी, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये ईमेल से रिलेटेड है। इसलिए इसमें जो है जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ए नंबर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी बुक कवर कॉपी, सी ब्लाइंड कवर कॉपी, डी नन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको हम मार्क कर लेंगे। ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ए नंबर पे है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी नंबर पे है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी नंबर पे है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, डी नंबर पे है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बारवां नंबर देखते हैं। बारवां नंबर क्वेश्चन है, एमएसी मैक का पूर्ण रूप है? मैक, ठीक है, इसके ऑप्शन है ए नंबर मीडिया एड्रेस कंट्रोल, बी नंबर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सी नंबर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो डी नंबर नन। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नंबर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको हम मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं तेरहवें नंबर पे। तेरहवां नंबर क्वेश्चन है, यूपीआई द्वारा पैसा भेजने को क्या कहते हैं? यूपीआई का अगर आपने यूज़ किया है तो यूपीआई द्वारा पैसा भेजने को क्या कहा जाता है? उसमें ऑप्शन दिए हैं ए पुल, बी पुश, सी सेंड, डी फॉरवर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी पुश। इसको हम मार्क कर लेते हैं। चौदहवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदहवा नंबर क्वेश्चन है, यूपीआई द्वारा पैसा रिसीव करना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है ए पुश, बी पुल, सी रिसीव्ड, डी सेंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुल। पुल इसका सही जवाब है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। पंद्रवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रवा नंबर क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ए 1905, बी 1956, सी 1904, डी 1960। इसका सही जवाब है 1904। इसको मार्क कर लेते हैं। चलते हैं सोलहवें नंबर पे। सोलहवें नंबर का क्वेश्चन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, थर्मल प्रिंटर ए नंबर, बी नंबर इंकजेट प्रिंटर, सी नंबर लेज़र प्रिंटर। तो इसका सही जो जवाब है वो है ऑल ऑफ अबव। इसको मार्क कर लेते हैं। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के ऑप्शन दिए हुए हैं ए नंबर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी नंबर नेटवर्क प्रिंटर, सी नंबर लेज़र प्रिंटर, डी नंबर थर्मल प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नंबर
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको हम मार्क कर लेते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर कंट्रोल प्लस के, बी नंबर कंट्रोल प्लस एच, सी नंबर कंट्रोल प्लस एल, डी नंबर नन। तो इसका सही जो जवाब है वो है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, तो चलते हैं 19वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, वैन फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका पूर्ण रूप है? तो इसमें चार ऑप्शन क्या क्या हैं, ए नंबर वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, बी है वाइड एरिया नेटवर्क, सी है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, डी है वाइड अवेक नेटवर्क। तो इसका जो सही जवाब है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, इसको मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू गो नेक्स्ट स्लाइड, यानी अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड पर जाना हो तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, ए है पेज अप, बी है पेज डाउन, सी है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, डी है एंड। तो इसमें जो शॉर्टकट की है नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए वो है पेज डाउन। पेज डाउन को हम मार्क कर लेते हैं। तो ये चलिए आइए साथियों अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के फाउंडर कौन हैं? टेलीग्राम ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, इसका इसके फाउंडर कौन है? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है, निकोलाई एंड पावेल ध्रुव, बी मार्क जुकरबर्ग, सी लैरी पेज, डी नन। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए सही जवाब है, निकोलाई एंड पावेल ध्रुव, इसको हम मार्क कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग जो लिब्रे ऑफिस में है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं चार, ए राइटर, बी काल्क, सी टेक्स्ट, डी वर्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग को हम राइटर कहते हैं, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ट्रू और फॉल्स की ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ट्रू, हम इसको सही कर लेंगे, क्योंकि लिब्रे ऑफिस फ्री वे अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड नेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे चला सकता है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फेमस सोशल मीडिया इनमें से कौन सी है? सोशल मीडिया, तो ऑप्शन चार जो दिए हुए हैं, पहला ए नंबर है व्हाट्सएप, बी नंबर है फेसबुक, सी नंबर है यूट्यूब और डी चौथा नंबर है नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है, आप भी सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो इसका जो सही जवाब है वो है फेसबुक, बी नंबर फेसबुक, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या होती है? हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ए नंबर कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस 3। तो जो इसका सही जवाब है वो है कंट्रोल प्लस 3, हम यानी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ 3 को दबाएंगे तो हमारी हेडिंग 3 की सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, हमारे जो हमने जो टेक्स्ट लिखा होगा उस पर हेडिंग 3 की जो सेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वां नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है,
एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसके ये ट्रू और फॉल्स में दिया गया है, ऑप्शन ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो है फॉल्स, हम इसको मार्क कर लेंगे। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर है, ये भी ट्रू फॉल्स है। RTGS और NEFT वर्क टाइम 24/7 है। आपने नेट बैंकिंग अगर यूज़ की है किसी बैंक की, तो उसमें RTGS या NEFT आपने यूज़ किया होगा। तो इस क्वेश्चन कह रहा है कि जो RTGS और NEFT है उसकी वर्किंग टाइम 24/7 यानी 24 घंटे वो चालू रहती है, संडे को भी चालू रहती है। तो ट्रू और फॉल्स में हमें इसका जवाब देना है। तो ट्रू और फॉल्स में इसका जवाब जो सही है वो है फॉल्स, क्योंकि वो कह रहा है कि ये 24 घंटे और सातों दिन चालू रहती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम इसका जो सही जवाब होगा वो फॉल्स होगा, इसको हम मार्क कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है FSF, ये शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या है। तो पूर्ण रूप के लिए इसमें चार ऑप्शन जो दिए हैं, ए नंबर है फ्री सॉफ्टवेयर फंक्शन, बी नंबर है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सी नंबर है फुल सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन है, HTML का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है। HTML एक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के काम में आती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफेरेंस प्रोटोकॉल, बी नंबर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी नंबर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी नंबर नन। तो जो इसका सही जवाब है वो बी नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब दसवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं, उसमें पहला ए नंबर है वर्ल्ड वाइड वेब, बी नंबर है मोज़ेक, सी नंबर है सफारी, डी नंबर है मोज़िला। तो जो इसका सही जवाब है वो है मोज़ेक। मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है PPP यानी ट्रिपल पी की फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है। इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं, ए नंबर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, बी नंबर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, सी नंबर पीपल टू पीपल प्रोटोकॉल, डी नंबर नन। तो जो इसका सही जवाब है वो बी नंबर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है। तो इसके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, उसमें पहला देखते हैं, ए नंबर है कंट्रोल के साथ हम इंटर दबाएंगे, कंट्रोल इंटर, बी नंबर है शिफ्ट प्लस इंटर, सी नंबर है केवल इंटर, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो ए नंबर, कंट्रोल के साथ हम इंटर की दबाएंगे तो पेज ब्रेक हो जाता है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन है, काल्क लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें जो काल्क पैकेज होता है, काल्क मैक्सिमम जूम साइज क्या है। तो मैक्सिमम जूम साइज काल्क के चार ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं, उसमें ए है 100% यानी 100%, बी है 200%, सी है 300%, चौथा डी नंबर है 400% यानी 400%। तो जो इसका सही जवाब है वो है 400%, यानी हम काल्क में 400% तक जूम कर सकते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब हम 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, ईमेल में ई का फुल फॉर्म क्या है।
ईमेल सबने यूज़ किया होगा। तो ईमेल में ई का फुल फॉर्म क्या है, इसके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ए नंबर है इलेक्ट्रिक, बी नंबर है इलेक्ट्रॉनिक, सी नंबर है इलेक्ट्रिकल, डी नंबर है ऑल ऑफ अबव। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर इलेक्ट्रॉनिक, यानी ईमेल में ई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर, पी टू पी क्या है, पी टू पी क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर है पीयर टू पीयर, बी नंबर है पॉइंट टू पॉइंट, सी नंबर है पोस्ट टू पोस्ट, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है पीयर टू पीयर। तो पी टू पी का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप है पीयर टू पीयर, इसको हम मार कर लेते हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 16वां क्वेश्चन है पिन, पी आई एन, पिन का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। तो इसके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं ए नंबर परमानेंट इंटरनेट नंबर, बी नंबर है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी नंबर है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं 17वें नंबर पे, 17वां नंबर क्वेश्चन है आरटीजीएस का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। ये नेट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है ए नंबर रियल टाइम ग्रॉस सेल्स, बी नंबर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सी नंबर राइट टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, डी नंबर नन। तो इसका जो सही जवाब वो बी नंबर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं 18वें नंबर पे, 18वें नंबर पे फिर नेट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आरटीजीएस से मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी अगर हम आरटीजीएस का यूज़ कर रहे हैं तो आरटीजीएस के द्वारा हम कितना अधिकतम रुपया किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ए नंबर है एक लाख रुपीज़ एक लाख, बी नंबर है रुपीज़ 50,000, सी नंबर है 2,00,000, डी नंबर है 3,00,000। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर 2,00,000 रुपए, इसको हम मार्क कर लेंगे। चलते हैं 19वें नंबर पे, 19वां नंबर क्वेश्चन है एचटीटीपी में टीटी, जो एचटीटीपी पे दो बार टी आया है तो टीटी क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एचटीटीपी अभी इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताइए, तो उसमें HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो ए नंबर टेक्स्ट ट्रांसफ़र सही है, TT का फुल फॉर्म है टेक्स्ट ट्रांसफ़र यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, 20वां नंबर क्वेश्चन है OLX क्या है। OLX आपने यूज़ किया होगा, वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है। तो OLX क्या है, तो OLX के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई मेल, डी नन। तो OLX एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये आपका 20 क्वेश्चन की सीरीज थी। नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड बराबर कोशेंट ब्रैकेट के अंदर 5,2, यानी आपको ये बताना है कि ये सूत्र दिया हुआ है, फाइंड करना है, खोजना है कि इसका भागफल क्या होगा 5,2 का। तो इसका जो सही जवाब है उसमें चार ऑप्शन जो दिए हैं ए बी सी डी, एक में ऑप्शन दिया हुआ है उसका, उसमें दिया है 2, बी में ऑप्शन दिया है 3, सी में दिया है 6, डी में 8। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2, तो 2 को हम मार्क कर लेंगे। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन है
फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, यानी जब आप फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या पूछता है वो, कि आपकी उम्र क्या है, और अगर उससे कम आप भरते हैं तो अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं, ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 18। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी 13 वर्ष, यानी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपकी उम्र न्यूनतम 13 वर्ष होनी चाहिए, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में PAN पैन पूर्ण रूप क्या है, यानी पैन का फुल फॉर्म क्या है। जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें ए नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर, बी है पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी है परमानेंट एरिया नेटवर्क, डी है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, यानी शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे जिसके द्वारा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नंबर शिफ्ट प्लस स्पेस बार, बी नंबर कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सी नंबर शिफ्ट प्लस प्लस, यानी शिफ्ट के साथ हम प्लस दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। यहाँ जो दो प्लस हैं इसमें दो प्लस से मतलब है कि एक साथ जोड़ने के लिए है, कि आप शिफ्ट के साथ क्या दबाएं तो ये प्लस दिया हुआ है, कंट्रोल के साथ क्या दबाएं वो जिस तरीके से यहाँ दिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये हम दबाएंगे तो हमारी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है। तो जो ऑप्शन दिए हैं, ए मूविंग, बी सिलेक्टिंग, सी ड्रैगिंग, डी नन। तो यानी लेफ्ट क्लिक करके अगर हम सभी स्लाइड पर अपने माउस को ले जाते हैं तो क्या हो जाता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही जो जवाब है वो है ए नंबर मूविंग, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा नंबर, भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितना से तात्पर्य कितना अमाउंट, कितनी धनराशि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर 10,000, बी नंबर 20,000, सी नंबर 40,000, डी नंबर 1,00,000। तो जो इसमें सही जवाब है वो है सी नंबर 40,000, यानी हम भीम ऐप का अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम 40,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दिन में, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन है, फ़ोनपे क्या है। यदि आपने इसका यूज़ किया है, फ़ोनपे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके जो है गूगल के प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ई वॉलेट, बी NIC कार्ड, सी मैसेंजर, डी ऑल ऑफ अबव। तो अगर आपने यूज़ किया है तो फ़ोन पे एक ई वॉलेट है, ठीक है, यानी हम पैसों का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिसोरस के लिए शॉर्टकट की क्या है। इसके ऑप्शन हैं, ए शिफ्ट प्लस F7, बी F7, सी शिफ्ट प्लस F5, डी F5। तो थिसोरस के लिए शॉर्टकट की क्या है, ए नंबर शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस
F7 हम यूज़ करेंगे तो थिसोरस का ऑप्शन खुल जाएगा। इसको हम मार कर लेते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां नंबर क्वेश्चन है, RDS का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, बी रिबूट डेस्कटॉप सर्विसेज, सी रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, डी नन। तो जो RDS है इसका फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज यानी सी नंबर, इसको हम मार कर लेते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी 10वां नंबर का क्वेश्चन है, MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्टेटस बार, बी टाइटल बार, सी टास्क बार, डी मेनू बार। तो MS वर्ड एंड राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे हम स्टेटस बार बोलते हैं, स्टेटस बार को हम मार कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, UPI पिन कितने डिजिट का होता है? ये भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, UPI पिन कितने डिजिट का होता है? यदि आपने UPI ट्रांजैक्शन किया है, पैसों का लेन देन किया है UPI के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए 8, बी 6, सी 4 से 6, डी 4। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, 4 से 6 डिजिट, यानी UPI पिन जो होता है वो 4 से लेकर 6 डिजिट का होता है। अब इसको भी मार कर लें हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन है, क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज कर सकते हैं? यानी जब आप मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो क्या आप उसका सब्जेक्ट डाले बिना, यानी मैसेज से तात्पर्य ईमेल, तो क्या आप उसका सब्जेक्ट डाले बिना आप मैसेज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका सही जो जवाब है वो है ट्रू, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। तो हम बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं बिना उसका सब्जेक्ट डाले, इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो जो इसका सही जवाब है उसके लिए 4 ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। ए नंबर है फर्स्ट, स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सुधार कर लेंगे। ए नंबर फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो जो इसका सही जवाब है वो है फोर्थ, इसको हम मार्क कर लेंगे फोर्थ को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी 14वां नंबर, आईसी का निर्माण किसने किया? आईसी जो आप काली काली देखते हैं अपने हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, कोई भी डिवाइस हो इलेक्ट्रॉनिक, तो जो इसका आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो हैं, ए जैक किल्बी, बी बिल गेट्स, सी मार्क एंडरसन, डी हरमन हेलोरी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, जैक किल्बी, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? यानी अगर हम प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस राइटर में देखना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए हम ओ दबाएंगे, बी नंबर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे और उसके साथ पी दबाएंगे, सी नंबर कंट्रोल के साथ हम F2 की दबाएंगे, डी ऑप्शन दिया है कंट्रोल के साथ हम पी दबाएंगे। तो जो सही जवाब है वो ए नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, यानी हम ये 3 की दबाएंगे, कंट्रोल की, शिफ्ट की और ओ की, तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन है, यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर यूनिकली ट्रांजैक्शन रेफरेंस, बी यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, सी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, डी नन। तो जब आप एनईएफटी वगैरह करते हैं बैंक के द्वारा, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, तो उसमें एक यूटीआर नंबर मिलता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन है, यूएलएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो जो इसका सही जवाब है वो डी फोर्थ है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन है, यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है। तो देखिए, यूपीआई जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें नकदी लेन देन को तो वो कतई बढ़ावा नहीं देता है, तो इसलिए इसका जो जवाब है वो है बी फाल्स, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो नकदी कहाँ से आई, इसलिए ये जवाब फाल्स इसका जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस विंडो का को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? यानी लिब्रे ऑफिस अगर उसकी विंडो को हमें बंद करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए चार ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ क्यू, बी नंबर कंट्रोल के साथ डब्लू, सी नंबर कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाते हुए डब्लू, या डी नंबर कंट्रोल के साथ पी। तो जो इसका सही जवाब है वो ए नंबर कंट्रोल के साथ हम क्यू दबाएंगे तो क्विट हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां नंबर अंतिम क्वेश्चन। बराबर सम 5.2 कितना होता है? यानी ये जो सूत्र दिया है, फंक्शन दिया हुआ है, इसमें सम 5.2 पूछा गया है, यानी जोड़, सम से मतलब है जोड़। तो 5.2 दो संख्याएं दी गई हैं, तो इनका जोड़ क्या होगा वो आप सामने ही देख के बता सकते हैं कि ए नंबर 5 और 2 7 होते हैं, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ए नंबर इसका 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए नंबर 7। चलिए साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो ए इंग्लिश, बी लैटिन, सी जर्मन, डी बंगला। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी लैटिन। इसको हम मार्क कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से भिन्न कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको ये बताना है कि तीन एक हैं और चौथा इनमें तीनों से अलग है। तो ए नंबर है SBI, बी नंबर है RBI, सी नंबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी नंबर है CBI। तो अगर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन बैंक दिए गए हैं, ए SBI, सी नंबर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी है CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो अलग है वो है बी नंबर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। एक मोबाइल में हम कितने UPI प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए नंबर है एक से अधिक, बी नंबर है दो से कम, सी नंबर है बोथ, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर एक से अधिक। हम
अपने मोबाइल में एक से अधिक यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कॉलेज में हैकिंग के लिए एडमिशन लेते हैं वह कौन सी हैकिंग कहलाती है? तो इसके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए हैकिंग, बी इथिकल हैकिंग, सी इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग, डी नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी इथिकल हैकिंग। यदि आपने सुना होगा तो इथिकल हैकिंग का एक कोर्स होता है जिसके लिए आजकल के नए नए छात्र एडमिशन लेते हैं। तो बी नंबर इसका सही जवाब है इथिकल हैकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैम किस लिए होता है? तो इसका ए नंबर है रीड एंड राइट, बी है राइट, सी है कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, डी है रीड। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, रीड एंड राइट। यानी जो आपकी रैम लगी होती है सिस्टम में वो रीड और राइट दोनों कार्य करती है, लेकिन जब तक आपका सिस्टम चालू है, यानी टेम्परेरी रूप से आपका रीड और राइट का कार्य करती है। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छठवां नंबर, इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप कितने अक्षर उसमें यूज़ कर सकते हैं? तो जो पहला ए ऑप्शन है वो है 63,206, बी नंबर है 2,200, सी नंबर है 280, डी नंबर है नन। तो इसका सही जवाब है बी नंबर 2,200। 2,200 को हम मार्क कर लेंगे बी नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सातवां नंबर है, सूत्र दिया है बराबर पावर ब्रैकेट के अंदर 5,2 का मान कितना होगा? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 10, बी 7, सी 3, डी 25। तो जो ये सूत्र है पावर, तो ये घात वाला सूत्र है, तो 5 की घात 2, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी नंबर 25। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां नंबर, एनईएफटी के द्वारा एक हफ्ते में कितनी बार पैसे भेजे जा सकते हैं? यानी आप एनईएफटी के द्वारा एक हफ्ते में कितनी बार आप पैसे भेज सकते हैं? तो इसके ऑप्शन ए 7, बी 140, सी 70, डी नो लिमिट, यानी कोई लिमिट नहीं है। तो जो इसका सही जवाब है वो डी नंबर नो लिमिट। नो लिमिट इसका सही जवाब है, क्योंकि आप एनईएफटी के द्वारा एक हफ्ते में जितना चाहे उतनी बार आप पैसा भेज सकते हैं, जितनी आपने लिमिट उसके अंदर लगा के रखी है कि आप 1,00,000 रुपए भेज सकते हैं, 50,000 भेज सकते हैं, 10,000 भेज सकते हैं। तो आप 10,000 दिन भर में कितनी बार भेज सकते हैं, आप एक हफ्ते में कितनी बार भेज सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब चलते हैं हम नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है एफडीएम का फुल फॉर्म। एफडीएम का फुल फॉर्म, तो ए नंबर है फ्री डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, बी फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, सी नंबर फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीमीडिया, डी नंबर नन। तो जो इसका सही जवाब है वो बी फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। इसका सही जवाब है बी नंबर। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन है, आईओटी क्या है? आईओटी क्या है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्मार्ट टीवी, बी स्मार्टफोन, सी हेडफोन, डी ऑल। दो आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट में कौन कौन सी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं आप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये तीनों चीज़ों का प्रयोग आप इंटरनेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑल। इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला 11वां नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर में ट्रेंडिंग न्यूज़ से पहले क्या लगता है? तो इसमें चार ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ए एट द रेट का साइन, बी डॉलर का साइन, सी हैश का साइन, डी एंड
का साइन। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर, हैश का साइन। यानी आपने देखा होगा जो ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है उसके आगे हैश का साइन लगा होता है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है, यूसी ब्राउज़र किस देश का है। ये ब्राउज़र है जैसे आप क्रोम यूज़ करते हैं गूगल का, उसी तरीके से यूसी ब्राउज़र किस देश का है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए, डी रशिया। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए चाइना, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 13वां नंबर, POS का फुल फॉर्म, पॉइंट ऑफ सर्विस, ट्रू या फाल्स। तो इसका जो सही जवाब इसमें हमें देना है ट्रू फाल्स में, तो वो है फाल्स। POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सर्विस नहीं होता है, इसलिए इसको फाल्स कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां नंबर, 14वां नंबर क्वेश्चन है, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो गोल गोल आपने देखी होगी, CD कब प्रचलन में आई थी। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1992, बी 1980, सी 1943, डी 1982। तो जो इसका सही जवाब है डी नंबर 1982, यानी CD 1982 में प्रचलन में आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां नंबर, 15वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से पुनः यूज क्या हो सकता है, क्या होता है। तो ए नंबर RW, बी नंबर ROM, सी नंबर CD, डी DVD। यानी पुनः यूज का क्या मतलब है, इसमें से आपको छांटना है। तो जब आप देखते हैं RW जहां लिखा होता है, यानी रीड और राइट, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं दोबारा, रीराइटेबल जिसे हम कह सकते हैं, रीराइटेबल दोबारा यूज करने योग्य। तो रीराइटेबल यहां RW से फुल फॉर्म होता है, तो हम ए नंबर को मार्क कर लेंगे। अगला हम देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन, TCP/IP किसके लिए यूज होगी। तो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें ए नंबर है इंटरनेट, बी नंबर है सर्वर, सी नंबर है कंप्यूटर, डी नंबर है URL। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंटरनेट, यानी TCP/IP जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट के लिए यूज होता है। अब हम अगला 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रोम यानी जो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें न्यू टैब के लिए क्या प्रयोग करते हैं। यानी हमें अगला टैब खोलना हो, न्यू टैब, जहाँ पे हमें वेबसाइट खोलनी हो बगल में ही दूसरी वेबसाइट, तो उसके लिए हम कौन सा टैब, कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे। तो इसमें चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ए Ctrl+J, बी Ctrl+T, सी Ctrl+N, डी Alt+T। तो जो इसका सही जवाब है वो है Ctrl+T, इसके द्वारा हम न्यू टैब खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन, स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हैं। इसके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए ओपन सोर्स, बी क्लोज सोर्स, सी फ्रीवेयर, डी शेयरवेयर। तो जो स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर से तात्पर्य है कि जिस पर, जिस सॉफ्टवेयर पर किसी का अधिकार हो, कंपनी का, व्यक्ति का। तो ओपन सोर्स और फ्रीवेयर ये फ्री में अवेलेबल हैं, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। आप नेट पे जाइए, फ्री डाउनलोड करिए, हमेशा लाइफ टाइम फ्री यूज़ करते रहिए। लेकिन डी शेयरवेयर जो हैं वो स्वामित्वधारी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर, CPU मेमोरी किसे कहते हैं। इसके चार ऑप्शन क्या क्या हैं, ए कैश मेमोरी, बी रजिस्टर या ई आएगा, इसको सही कर लेंगे आप,
बी रजिस्टर, सी रैम, डी रोम। तो जो सीपीयू मेमोरी है उसे कैश मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, इज लिब्रे ऑफिस काल्क एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इंग्लिश में है कि क्या लिब्रे ऑफिस का काल्क सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है, फ्री में अवेलेबल है। तो जी हाँ, ये फ्री में अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है, इसलिए इसका जवाब है ट्रू, इसको हम मार्क कर लेंगे। तो ये थी आपकी अगली सीरीज, इसमें 20 क्वेश्चन आप देखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस, बैंकिंग सभी मिक्स हैं साथियों। आप हमारी नेक्स्ट सीरीज, अब चलते हैं अपने नए टैक्स सीरीज की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पैन कार्ड का पूर्ण रूप क्या है। पैन कार्ड उसका पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन चार दिए गए हैं, ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी परमानेंट एरिया नेटवर्क, डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र दिया गया है, यानी विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउज़र दिया गया है। उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ए गूगल क्रोम, बी मोज़िला फायरफॉक्स, सी एज, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए, जब भी आप विंडोज कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं, 7, 8, XP, तो उसमें जो वेब ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट साथ में होता है वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन विंडोज़ 10 में जो वेब ब्राउज़र दिया गया है वो एज दिया गया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, राइटर में मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए 25, बी 80, 80, सी 15, डी 30। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी 80, यानी हम राइटर में मैक्सिमम जूम 80 कर सकते हैं। इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जा रहा है। तो ट्रैक बॉल देखिए इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे इस डिवाइस के द्वारा संदेश कंप्यूटर में पहुंचता है, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस कहलाएगी। ये इसका जो ऑप्शन है वो ए ट्रू सही है, यानी वो इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। हम चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से किसकी तुलना में कम है, यानी एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से किस चीज़ की तुलना में कम है। और चार ऑप्शन पूछे दिए गए हैं, ए स्पीड, बी कॉस्ट, सी गुणवत्ता, डी सुरक्षा। तो देखिए, इसका सही जो जवाब है वो है गुणवत्ता। गुणवत्ता में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा कम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन छठवां नंबर, कौन ओपन सोर्स नहीं है, यानी ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि कौन फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो ए नंबर है लाइनक्स, बी है उबंटू, सी है विंडोज 10, डी है नन। तो जो इसका सही जवाब है वो है विंडोज 10, यानी ये ओपन सोर्स नहीं है, इसके लिए हमें एक चार्ज देना पड़ेगा तभी ये हमको प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड लेआउट किस देश से लिया गया है, यानी जो आप कंप्यूटर में कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं
उसका लेआउट किस देश से लिया गया, यानी वो जैसा दिखता है उसमें जैसा जहाँ जो की लिखी हुई हैं आपने देखा होगा सभी में वो एक जैसी दिखती हैं, तो ये किस देश से ये कीबोर्ड का फॉर्मेट लेआउट लिया गया है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ए नंबर है यूएसए, बी नंबर है यूके, सी नंबर है जर्मनी, डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए यूएसए, इसको हम मार्क कर लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, वेब डेवलपिंग में यूज होने वाली आम भाषा कौन सी है, यानी हम जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें जिस लैंग्वेज के द्वारा हम वेबसाइट डेवलप करते हैं उसमें नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए HTML, बी सी लैंग्वेज, सी URL, डी PHP। तो जो सही जवाब है वो है HTML, जो नॉर्मली यूज़ की जाती है। अब चलते हैं हम नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। IFSC कोड यानी जो शाखा होती है, बैंक की ब्रांच होती है, हर बैंक की ब्रांच का एक कोड होता है, तो वो कोड कितने डिजिट का होता है। तो इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें ए नंबर है 7, बी नंबर है 9, सी नंबर है 11, डी नंबर है 12। तो जो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर 11, इसको हम मार्क कर लेते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी और हार्ड डिस्क प्राइमरी होती है। इसमें जो ऑप्शन है वो ट्रू और फॉल्स में पूछ रहा है, यानी फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है और हार्ड डिस्क प्राइमरी है। तो इसके जो जवाब हमारा है वो है बी नंबर फॉल्स, क्योंकि फ्लॉपी सेकेंडरी नहीं होती है, फ्लॉपी सिर्फ ए और बी होती है, प्राइमरी फ्लॉपी होती है। फ्लॉपी जो डिस्क होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसलिए इसका जवाब फाल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जीमेल में सेव्ड मैसेज कहाँ सेव होता है, यानी हमने कोई मैसेज लिखा और उसको किसी को सेंड नहीं किया तो वो मैसेज हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए सेंट बॉक्स, बी इन बॉक्स, सी आउट बॉक्स, डी ड्राफ्ट। तो जो इसका सही जवाब है वो है डी ड्राफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न है, जीमेल में आया हुआ मैसेज कहाँ पर मिलता है, यानी जब हम जीमेल यानी ईमेल खोलते हैं तो जो मैसेज हमें प्राप्त होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए सेंट बॉक्स, बी इन बॉक्स, सी आउट बॉक्स, डी नन। तो इसका सही जवाब है बी इन बॉक्स, इन बॉक्स में ही हमें सारे प्राप्त हुए मैसेज दिखाई देते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, पेन ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव क्या होती है, तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें ए नंबर है इनपुट डिवाइस, बी नंबर है आउटपुट डिवाइस, सी नंबर है बोथ, डी नंबर है नन। तो देखिए, पेन ड्राइव ना इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव एक मेमोरी है, तो इसलिए इनमें चारों ऑप्शनों में से डी नन लगाएंगे, क्योंकि जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मेमोरी नहीं दिया गया है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। अगला 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड नेम, अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में पहला है ए नंबर विंडोज़, बी नंबर है MS ऑफिस, सी नंबर है विंडोज एज्योर, डी नंबर है नन। तो जो इसका सही जवाब है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड को हम विंडोज एज्योर भी कहते हैं,
इसको हम मार कर लेंगे। चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए फाइल, बी एडिट, सी व्यू, डी इंसर्ट। तो जो सही जवाब है वो है ए फाइल, यानी अगर आपको विजार्ड देखना है तो आपको फाइल मेनू में जाना होगा, वहाँ आपको वहाँ पर आपको विजार्ड मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ए नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी डीसीबी बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो जो सबसे पहला आधार वाला एटीएम किस बैंक ने जारी किया, वो उसका सही जवाब है डीसीबी बैंक। इसने सबसे पहले आधार वाला एटीएम बैंक एटीएम जारी किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें नंबर पे। 17वां नंबर क्वेश्चन है, क्यूआर कोड किसने बनाया? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए फेसबुक, डी डेंजोवेव ने 1994 में, सी गूगल ने, डी याहू ने। तो जो इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, डेंजोवेव 1994। यानी क्यूआर कोड सबसे पहले डेंजोवेव ने 1994 में डेवलप किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो किस तरह का व्यापार है? तो इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ए नंबर है बी टू बी, बी नंबर है बी टू सी, सी नंबर है सी टू सी, डी नंबर है ऑल। तो जो इसका सही जवाब है वो ए नंबर बी टू बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस, इसको हम मार्क कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल है? तो पिछली सीरीज में आपको बताया जा चुका है, फिर से ये क्वेश्चन आया है, घुमा के आया है। तो अब देखते हैं चार ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ए एसएमटीपी, बी यूटीपी, सी टीसीपीआईपी, डी आईपी। तो देखिए, इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल जो है वो सी नंबर टीसीपीआईपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जवाब टीसीपीआईपी सी नंबर। अगला क्वेश्चन 20वां अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, फिर टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है। टीसीपीआईपी मुख्यतः उपयोग होता है, तो ये प्रोटोकॉल इन चार में से किस में उपयोग होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला ए नंबर है फाइल ट्रांसफर, बी नंबर है ईमेल, सी नंबर है रिमोट लॉगिन सर्विस, डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी, डी नंबर, यानी ये प्रोटोकॉल सभी तीनों सर्विसेज में यूज़ किया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे इस सीरीज़ में, बस इतना ही। तो ये थी 20 क्वेश्चंस की 5 सीरीज़, जो कि एक महा सीरीज़ है, जिसको पढ़कर आप नाइलेट के अगले एग्ज़ाम को दे सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर सेंटर में प्रवेश लिए हुए। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।